दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद समेत बाग, रावलाकोट, फॉरवर्ड, कहूटा और हटिया के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों सुदनगली, तोलीपीर, नीलम और पीर चिनासी में बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है। बर्फबारी का नजारा करने के लिए सयाहों ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया है। हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, लोगों को भी चाहिए यहाँ पर आएं और घूमें फिरें। हम लोग जाते आते रहते हैं हर जगह पे, मगर सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह जो नजर आती है हमें वो विजिट में कश्मीर का इलाका है। सयाह फैमिलीज के हमरा पीर चिनासी और सरा पहुंचकर एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते रहे, जबकि बाज लोग बर्फ से ढकी चोटियों के खूबसूरत मनाजिर को कैमरे की आंख से महफूज करते रहे। बर्फ को एंजॉय करने आए हैं लोग, केपीके की तरफ जाते हैं, नीलम की तरफ जाते हैं। हमारे मुजफ्फराबाद से 30 मिनट की ड्राइव है, काइंडली आप इधर आके विजिट करें। आजाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से जारी बारिशों और बर्फबारी से वादी लीपा का जमीनी राबता रेशिया, जबकि शहराई नीलम केल से ताऊबट तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है। तवील खुशक साली के बाद मैदानी इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी से जहां मुल्क के आबी जखायर में इजाफा होगा, वहां आजाद कश्मीर की इन हसी वादियों को देखने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला भी शुरू हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज, वादी सरा, आजाद कश्मीर।